खबर है ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण डोंबेवली शहर की, जहां की सड़कें मानसून के समय गड्ढामय हो गई हैं। सड़कों पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क है, ये समझ पाना मुश्किल है। ऐसे में मनसे द्वारा आयोजित की गई है गड्ढा देखने की प्रतियोगिता। हालांकि कल्याण डोंबेवली नगर निगम गड्ढों को भरने का काम शुरू करने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत में काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। सड़कों पर गड्ढों को लेकर वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका है। मनसे की ओर से शहर के चौराहे और चौक पर सेल्फी विथ गड्ढे वाला व्यंग्यात्मक बैनर भी लगाया गया है। मनसे की ओर से अपील की गई कि हमें अपने क्षेत्र के गड्ढों की सेल्फी भेजें और आकर्षक पुरस्कार जीतें। बड़ी संख्या में गड्ढा उपलब्ध कराने के लिए कल्याण डोंबेवली नगर निगम को धन्यवाद भी बैनर में दिया गया है। हर साल गड्ढे भरने के लिए करोड़ों रुपए का निधि केडीएमसी से पास किया जाता है, लेकिन इस बार मनसे की पदाधिकारी ने कहा कि कल्याण की सभी सड़कें गड्ढामय हो गई हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। स्कूल, कॉलेज और रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। आए दिन जो है कहीं ना कहीं हादसे भी हो रहे हैं, जिसको लेकर केडीएमसी अभी तक जागी नहीं है और कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए मनसे ने गड्ढा विथ सेल्फी का जो प्रतियोगिता रखा है, इसमें लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के इलाके में जो गड्ढे हैं उसके साथ सेल्फी खींच के भेजें और आकर्षक इनाम पाएं। शहराध्यक्ष माजी आमदार प्रकाश कोळी आणि आमच्या शहराध्यक्ष कस्तुरी देसाई यांनी हा जो विशेष उपक्रम राबवलाय त्याबद्दल मी महापालिकेच्या विशेष सहकार्य मिळालेले याच्याबद्दल धन्यवाद देऊ इच्छिते। खरं हे खड्ड्यांचं जे प्रकरण आहे हा कल्याणमध्ये रस्ते चोरीला गेले असं मला म्हणावं लागेल, आणि हे खड्डे जे आहेत त्याची विविध वर्क ऑर्डर जी आहे ती मार्च पर्यंत यायला हवी, आणि एप्रिल मे जून मध्ये त्याच्या फटे कुठे आहेत, कोणत्या परिस्थितीत आहेत, आणि हे सगळं शोधून जांभीकरणाने खड्डे भरायचे असतात, पण आपल्याकडे महापालिकेमध्ये असं काही होत नाही। काही अधिकाऱ्यांमुळे किंवा काही कोणामुळे पण ह्या निविदा बाहेर निघत नाही जोपर्यंत पावसाळा येत नाही, आणि पावसाळा आल्यानंतर सुद्धा त्याचे तुम्ही पूर्ण रस्ते खड्डे करताय। हा मला वाटतं हा संदीप हॉटेल तू पाणी विचारला इथे काय आहे त्याचा पुढचा जो रस्ता आहे काही संस्थापन हे तीन वेळा गेले आठवड्यात भरले गेले, पण तरी सुद्धा या पद्धतीने करायला पाहिजे। रस्ता जो मुद्दा जो आहे हा पूर्णपणे ड्राय केला जातो, त्याचा संस्कार केला जातो, त्याच्यामध्ये चुना टाकला जातो, म्हणून टाकला जातो, आणि नंतर तो खड्डा भरणार असं खरंच असते, पण काही होताना दिसत नाही। आमच्या नागरिकांचा टॅक्स म्हणून जो पैसा आहे तो हा पूर्णपणे वाया जातोय। मला वाटतं महापालिकेला किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांना काहीही पडलेलं नाही, कारण त्यांना टॅक्स मिळतो। खरं हा सगळ्यात प्रेसिडेंट आहे, इथे बाजूला शाळा आहे, आणि एवढं सगळं असताना कल्याणवर पूर्णपणे तुम्ही जर बघाल तर हे अशा पद्धतीने